Hello, hi, my dear Math Prep student. This video is going to be a very important video, as well as this is a 180 day challenge for all the NEET aspirant. This 180 day change your whole life. ये 180 दिन equal to 6 month. ये आपके life के सबसे important और life changing month होने वाले हैं. 180 is equal to multiply 4. That is 7 by 4. That is 720 mark जो NEET में आपको लाना है और All India rank 1 आ सकता है. ये 720 आउट ऑफ 720 कैसे लाना है, नीट में 4x कैसे आपकी नीट प्रिपरेशन करनी है, ऑल ऑफ दिस हम इस वीडियो में देखेंगे. ये वीडियो को लास्ट तक देखना है. जो भी बच्चे ये 180 डे चैलेंज को कंप्लीट करेंगे उनको जरूर नीट में अच्छा स्कोर देखने को मिलेगा और 720 भी मिल सकते हैं. जो बच्चे अभी तक पढ़ नहीं रहे थे, जो बच्चे अभी तक पढ़ाई कर रहे थे, जो बच्चों ने PhD कर रखा है नीट में, मतलब 2 से 3 साल लगातार पढ़ते आ रहे हैं, उनके लिए भी ये काफी इंपॉर्टेंट मंथ है. क्यों? 180 डे इज डिसाइडेड योर नीट स्कोर. कैसे? जो इस 180 डेज में अच्छे से परफॉर्म करेगा उसी के अच्छे स्कोर आएंगे, ये कंफर्म है. तो जो ये 180 डे चैलेंज एक्सेप्ट करेंगे वही वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, क्योंकि 180 डेज ये आपके लाइफ चेंजिंग होने वाले हैं. जो ये एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है, जिनको नहीं करना है, वो इस वीडियो को लास्ट तक ना देखे. पहले ही है ये वार्निंग आप सभी के लिए. सो 180 डेज, ये 180 डेज कैसे आपकी लाइफ चेंज कर सकते हैं, आपकी नीट प्रिपरेशन 4x बना सकता है, कैसे? ये हमें पता है कि 180 स्कोर करना पड़ता है हमें ईच एंड एवरी सब्जेक्ट में, जिससे हमें 720 मिलता है. फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और बायोलॉजी में भी 2 सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री में भी 3 है, और इन सभी के कॉम्बिनेशन में हम 720 स्कोर करते हैं, हमें पता है. हमें ये चीज भी पता है कि हमें सुनते हैं कि 80% जो रिजल्ट आता है, 80% जो हमारे मार्क्स आते हैं, वो 20% क्वेश्चन प्रैक्टिस से या 20% प्रिपरेशन से आता है. वो जो 20% प्रिपरेशन है वो ये लास्ट के 180 डेज में आपको करने होते हैं, जिससे आपके 80% मार्क आते हैं, जो 650 प्लस होता है, जिससे एक अच्छा मेडिकल कॉलेज तो मिल जाता है. मगर कुछ बच्चों के 720 भी टारगेट होते हैं और ऑल इंडिया रैंक 1 भी लाना होता है किसी बच्चों को, तो वो ये 180 डे चैलेंज ले और 180 डे चैलेंज को पूरा करे और एक अच्छा स्कोर करे 720 में से 720 लाने का. तो सबसे पहले ये समझो कि 180 यहाँ से और यहाँ से आ सकता है. एक तो जूलॉजी हमारे पास, एक हमारे पास बॉटनी है, जिससे हम 360 स्कोर कर सकते हैं. इसमें हमें 350 भी मिल गया, तो बहुत वेल गुड. यहाँ से इसको कैसे करना है वो भी मैं आगे बताऊंगा आपको. फिजिक्स तो 150 हमें यहाँ पे स्कोर करना ही पड़ेगा किसी भी हालत में. तो ये 180 डेज का चैलेंज लो और अपने 80% मार्क को सिक्योर कर लो. सबसे पहले आपको क्या करना है, सेट ए गोल. यहीं से आपके 1x, मैंने 4x बताया था ना, 1x आपके यहीं से आ जाएंगे, अभी नहीं तो कभी नहीं. मतलब ये आपको मानना पड़ेगा कि नीट प्रिपरेशन ये जो 180 डेज है इसी में आपको करने, इसके अलावा आपके पास कोई टाइम नहीं है. अगर ये आपने कर लिया तो आपके नीट में रैंक अच्छे आ सकते हैं. अगर ये 6 महीने आपने अच्छे से यूज नहीं किया, 180 डेज को वेस्ट कर दिया, आप ये सिक्योर करके चलो. ये मेरा वादा है कि आप नीट कभी क्रैक नहीं कर पाओगे, अगर ड्रॉप भी ले लेते हो फिर भी, क्योंकि 180 डेज में अगर आपके करने के बाद आपके मार्क्स कम भी आ जाए, मगर आपने इतना मेहनत कर रखा होगा कि आप एक अच्छे मेहनती स्टूडेंट बन चुके होंगे. तो इसको करो, सबसे पहले सेट ए गोल, अपना गोल सेट करो कि हाँ मुझे नीट क्रैक करना है, मुझे 720 नीट मार्क्स में स्कोर करना है तो करना है. सेकेंड, एक डॉक्टर बुक बनाओ. ये आज तक YouTube में किसी ने बताया होगा कि आपको एक डॉक्टर बुक बनाना होता है. डॉक्टर बुक क्या है ये बताता हूँ मैं आपको. इसमें सबसे पहले आपको एक चीज करना है कि अपने स्टडी आवर्स लिखने, वो स्टडी आवर लिखने जिसमें आपने प्रोडक्टिव स्टडी किया, मतलब कि फुल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन के साथ आपने पढ़ाई किया है विदाउट डिस्ट्रैक्शन के साथ, वो आवर आपको इसमें सबसे पहले लिखने कि इतने घंटे मैंने पढ़े हैं. एक चीज और आप अभी से अप्लाई करो कि आप धीरे धीरे अपने स्टडी आवर को पुश करो. मतलब आप 8 घंटे पढ़ते थे, 10 घंटे, 12 घंटे, मिनिमम आपको 15 घंटे की पढ़ाई अभी चाहिए इस 180 डेज में. जो 180 डेज में ये 15 घंटे 12 घंटे की पढ़ाई रोज करेगा उसी को नीट में अच्छा स्कोर मिलेगा. तो अपने आवर्स इसमें लिखो डॉक्टर बुक में. सबसे पहले फर्स्ट आपने ये किया कि ये आपने डॉक्टर बुक बनाया, एक अलग से रजिस्टर ले लो, उसमें ये डॉक्टर बुक के ऊपर से नाम लिख दो और उसमें सबसे पहले अपने स्टडी आवर लिखो. देन उसके बाद सब्जेक्ट और नंबर लिखो उसमें कि एक दिन में आपने कितने सब्जेक्ट पढ़े. 6 सब्जेक्ट है आपको और मिनिमम 3 सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं. मतलब किसी दिन आपने फिजिक्स पढ़ लिया या किसी दिन इनऑर्गेनिक पढ़ लिया और किसी दिन आपने बॉटनी पढ़ लिया, ये 3 सब्जेक्ट हो गए.
कॉम्बिनेशन हो गया। ऐसे कॉम्बिनेशन करके 6 सब्जेक्ट आपके 3 सब्जेक्ट रोज होने चाहिए, वन लास्ट के ये जो 180 डेज बचे उसमें। क्वेश्चन समझ आ गया, ये क्वेश्चन जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है। 6x6 क्वेश्चन मतलब जो 6 सब्जेक्ट है उसमें पर डे आपको इच सब्जेक्ट में 60 क्वेश्चन करने हैं। मतलब मैंने जैसे आपको बोला कि पर डे आपको 3 सब्जेक्ट पढ़ने हैं और 3 सब्जेक्ट में पर सब्जेक्ट आपको 60 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, और जब तक नीट का एग्जाम ना हो जाए तब तक 60 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करते रहने हैं। कहीं से भी ऑनलाइन रिसोर्सेज होंगे, टेस्ट सीरीज होंगे, जहां से भी 60 क्वेश्चन तो करने ही करने हैं अगर आपको स्कोर करना है तो। ये 50 to 100 अपना टारगेट रखो, कम से कम 50 क्वेश्चन इस सब्जेक्ट में करे और 100 मैक्सिमम टू मैक्सिमम कर ले। ये हर दिन करना, ईच एंड एवरी डे, ये नहीं कि एक दिन स्किप कर रहे हैं, दो दिन स्किप कर रहे हैं या कभी और कर लेंगे, नहीं। ये रिविजन और ये क्वेश्चन प्रैक्टिस आपके हर दिन होने चाहिए, इसको आप कभी छोड़ना नहीं है, ठीक है। उसके बाद एक मिस्टेक बुक बनाओ जिसमें जो भी आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, ये जो आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए 60 क्वेश्चन, उसमें जो भी मिस्टेक्स हुए या ओवरऑल आपके पास जो भी मिस्टेक्स हुए हैं उसको उसमें लिखो, और सुबह उठते ही एवरी डे आपको ये रिवाइज करना है। इसको रिवीजन में लाओ अपने, सुबह उठते ही 10 से 15 मिनट उसको देखना और उसको ओवरकम करना है। ये नहीं कि लिख के छोड़ देना है, जितना जल्दी हो उतना जल्दी उसको ओवरकम करते जाना है। देन इसी बुक में आपको ये भी लिखना है कि आपके डूज और डोंट्स क्या है। आपको पता होंगे आपको क्या चीजें आपकी वीक है और क्या चीजें आपकी स्ट्रांग नहीं है। दोनों 5-5 चीजें दोनों चीज लिखो कि 5 चीजें मेरी ये चीज स्ट्रांग है, 5 मेरी ये चीज वीक है। जो 5 चीज आपकी स्ट्रांग हो उसको और ज्यादा स्ट्रांग करो, जो वीक है उसको ओवरकम करने की कोशिश करो। ये भी उसी बुक में होना चाहिए। और जैसे जैसे 180 डेज आपके खत्म होंगे, ये जो आपके वीक एरिया ये आपके बिल्कुल ओवरकम हो जाने चाहिए। इसमें सिली मिस्टेक्स से लेके बड़े से बड़े ब्लंडर जो भी करते हो आप, सारा चीज लिखो 5 पॉइंट में। देन ये काफी इंपॉर्टेंट, 1 पेज ईच लाइन फॉर्म में 1 क्वेश्चन, मतलब एनसीईआरटी के ईच एंड एवरी लाइन से 1 क्वेश्चन फॉर्म करना है आपको। प्रीवियसियर क्वेश्चन तो आपको लगा नहीं, मगर आप अपनी भी कैपेबिलिटी चेक करो। उससे क्या होगा, जब आप अपने से क्वेश्चन फॉर्म करोगे, हर एक एनसीईआरटी लाइन से 1 क्वेश्चन फॉर्म करना है। अगर किसी पेज में 15 to 20 लाइन्स है तो आपके पास 20 से 25 क्वेश्चन बन के तैयार है। वो क्वेश्चन ऐसे बनेंगे जो एग्जाम में आने के चांसेस 90% हो जाएंगे, और आपको एक एग्जामिनर का मेंटेलिटी भी पता चलेगा। माइंडसेट इज एवरीथिंग इन नीट एग्जामिनेशन, सो वो माइंडसेट भी आपको पता चल जाएगा। आपके पास 30 से 40 क्वेश्चन नए बन के भी आ जाएंगे जो आपके खुद बने होंगे, आपके रिसर्च पे होंगे, और वो आप कहीं भूलोगे भी नहीं। और उससे क्या होगा, वो पेज के जितने भी कॉन्सेप्ट है आपके क्लियर हो जाएंगे। ये चीज करना स्टार्ट कर दो 180 डेज के लिए। अगर आपने कर लिया तो एनसीईआरटी में आपके मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे, आप 360 फुल मार्क स्कोर कर पाओगे। बस एक ये छोटी सी सिंपल सी चीज है मगर काफी इफेक्टिव है। अब कुछ सब्जेक्ट वाइज कुछ स्ट्रेटेजी है, कुछ टिप्स है, वो भी डिस्कस कर लेते 180 डेज में और क्या करना है। इसको कर लो, सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। सब्जेक्ट वाइज देखो, जैसे बायोलॉजी है, बायोलॉजी में डायग्राम्स बना लो। कई बच्चे क्या करते हैं, डायग्राम प्रैक्टिस ही नहीं करते हैं और एग्जाम देने चले जाते हैं। डायग्राम बेस्ड इतने सारे क्वेश्चन आते हैं और बच्चे प्रैक्टिस करके नहीं जाते हैं। इसको एवरी डे प्रैक्टिस करना है। रिवीजन आपको बढ़ा देने हैं, जितना हो सके उतना ज्यादा रिवीजन स्लॉट बढ़ा दो। मैक्सिमम द रिवीजन, मैक्सिमम द मार्क, रिवीजन ही की सक्सेस है आपके लिए। और मेक द क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी, मैंने जैसे बता रखा है एनसीईआरटी के जितने भी लाइन है उससे हर एक लाइन से 1 क्वेश्चन आपको बनाने हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको जितने हो सके उतने ज्यादा प्रैक्टिस करने हैं, और साथ ही साथ जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लगाने बैठो तो ये भी आप एक फैक्टर निकालो वहां से कि अगर जो क्वेश्चन आपने बनाया किसी भी सब्जेक्ट में तो वो क्वेश्चन एनसीईआरटी के बुक उठाओ और देखो ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है, और आपको और उसको अंडरलाइन कर लो और उसके ऊपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिख लो,
और उसको बार बार रिवाइज करो, हाँ इस पॉइंट से ये क्वेश्चन फॉर्म हुआ है, और उस तरीके से और क्वेश्चन फॉर्म करने की कोशिश करो, हाँ ऐसा क्वेश्चन आया था, इससे और हम क्या नया क्वेश्चन बना सकते हैं। एज जब फॉर्म करना स्टार्ट कर दोगे खुद, तो कहीं ना कहीं आपको मैं बोल सकता हूँ चैलेंज के साथ कि आपको पता चल जाएगा 2024 में कैसा क्वेश्चन आएगा। आप खुद इतना कैपेबल हो जाओगे एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से, सोचो ठीक है। ये जब आएगा जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे और फिर एनसीईआरटी से उसको टैली करोगे। नीट एग्जाम से पहले आपको 40-60 टाइम रिवाइज करके जाना है ईच एंड एवरी सब्जेक्ट, और 60 टाइम तो आपके बायोलॉजी रिवीजन हो जाने चाहिए, और 40 टाइम फिजिक्स केमिस्ट्री आपके रिवीजन हो जाना चाहिए, 11th 12th दोनों। जब तक आप रिवाइज नहीं करोगे, नीट के जब एग्जाम देने जा रहे हो, आपके रिवीजन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और 40 से 50 काफी, मैं मिनिमम बोल रहा हूँ कि 180 डेज ही हमारे पास, तो 40-50 काफी मिनिमम मैंने बताया है, इससे ज्यादा ही आपको करने हैं। अगर बच्चा 40-50 टाइम्स अगर नीट का जो सिलेबस है होल और ईच सब्जेक्ट का, तो कहीं ना कहीं उसके 720 मार्क स्कोर करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये चीज आपको समझना है कि एग्जाम से पहले 60 टाइम तो रिवाइज करके जाना ही जाना है। जब हम केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, तो तीन पार्ट आते हैं हमारे पास, फिजिक्स, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। कुछ नहीं है, फिजिकल में आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन करोगे, और जो मैंने बता रखे क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, एनसीईआरटी देखा, अपने नोट्स देखे, उससे आपके केमिस्ट्री में अच्छे मार्क्स आएंगे। इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक जितना ज्यादा हो, फॉर्मूला बेस्ड चीजें देखो, रिएक्शंस देखो, लर्न करो और रिपीट और प्रैक्टिस करते जाओ, बस यही चीजें हैं जो आपको इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में मार्क दिलवाएंगे। फिजिकल में भी आपको जितना ज्यादा फॉर्मूला बेसिस क्वेश्चन आप समझने की और कॉन्सेप्ट उसके रिलेटेड देखने की कोशिश करोगे कहाँ से ये कॉन्सेप्ट आया है, तो नए क्वेश्चन भी आपको समझ आएंगे कि हाँ ऐसा क्वेश्चन फ्यूचर में आ सकता है। फिजिक्स की जब तक जहां बात कर रहे हैं, तो फिजिक्स में कॉन्सेप्ट आपके 11th और 12th में काफी इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने 11th और 12th में, बेसिक क्लियर होने चाहिए 11th के, 12th में तभी आप अच्छे से स्कोर कर पाओगे। मैक्सिमम टाइम रिवीजन को देना है 11th के रिवीजन काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चे 12th के बाद या ड्रॉपर के बाद नीट का एग्जाम देते हैं, 11th कहीं ना कहीं पीछे छूट गया रहता है, तो इसका रिवीजन काफी इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी समरी आपका 11th में उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एनसीईआरटी का समरी पढ़ना, जितना आपका 12th के फिजिक्स के लिए है। समरी का मतलब क्या है, एनसीईआरटी जब निकालोगे आप फिजिक्स का, उसके लास्ट में आपको एक समरी दिखेगा जो 12th के सब्जेक्ट के लिए आपको पढ़ने के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। 12th क्लास के लिए आप एनसीईआरटी के समरीज पढ़ के जाना एग्जाम से पहले बिल्कुल और बिल्कुल। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में एक चीज और करना, फॉर्मूला बुक बना लेना, और सुबह उठते ही मिस्टेक बुक रिवाइज करना है, उसके बाद फॉर्मूला बुक को रिवीजन करना, मैक्सिमम टू मैक्सिमम जितने भी फॉर्मूलाज हैं सारे लिख लेना इसको एक जगह, और उसको रोज रिवाइज करना, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री में मैक्सिमम टाइम देखा गया है 50-60% क्वेश्चन फॉर्मूला बेस आ जाते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला आता है, उसमें आपको बस नंबर्स पुट करने होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करके आपके आंसर आ जाते हैं, और काफी इजी होते हैं, एक एक मिनट में बन जाते हैं वो क्वेश्चन। अगर फॉर्मूला ही नहीं पता होगा तो क्वेश्चन कैसे बनाओगे, तो फॉर्मूला बुक एक बना लो खुद का, किसी और का नहीं, खुद का बनाना है। अगर फ्यूचर में हुआ तो मैं भी आपको प्रोवाइड करूंगा, मगर अभी के लिए आप खुद बनाओ। 180 डेज है आपके पास, और उससे पहले सबसे पहले ये काम कर लो, मुश्किल से 1-2 दिन लगेंगे, पर तो खुद रखा ही है सारा कुछ, बस एक जगह करना है और उसको रोज बेसिस पे रिवाइज करना है। ये फॉर्मूला बुक काफी इंपॉर्टेंट है, ये ऐप भी बना लेना। और छोटी सी बात एक और बता देता हूँ कि 45% क्वेश्चन आपके बायोलॉजी के ह्यूमन फिजियोलॉजी से आएंगे, 24% क्वेश्चन आपके जेनेटिक्स से आएंगे, और ई स्क्वायर इन्वायरमेंटल और इकोलॉजी से आपके 16% क्वेश्चन आएंगे बायोलॉजी में, ये ध्यान रखना। और जो ये नया सिलेबस आया ना, न्यू सिलेबस, उसमें क्या हुआ है, आपके फिजिक्स के 16 चैप्टर्स को हटा दिया गया है, नए 6 चैप्टर को ऐड किया गया है। केमिस्ट्री में आपके 8 चैप्टर हटाए गए हैं और 10 चैप्टर ऐड किया गया है। बायोलॉजी में आपके 7 चैप्टर हटाए गए हैं और 4 चैप्टर को ऐड किया गया है।
तो इनसे डरना नहीं है। पहले हमारे पास 97 चैप्टर्स थे, अभी अप्रोक्स हमारे पास 50 चैप्टर है, 50 चैप्टर नहीं सॉरी 80 चैप्टर्स है हमारे पास। तो 180 डेज 80 चैप्टर, क्या आप कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। ये 80 चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं 180 डेज में। पहले 97 था आपके पास, अब बस बच के ये 80 रह गया है। तो क्या आप 180 डेज में 80 चैप्टर्स कंप्लीट नहीं कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। एक लास्ट पॉइंट भी है, काफी इंपॉर्टेंट है, हेल्थ फैक्टर काफी बच्चे इग्नोर कर देते हैं। 180 डेज में एक एक सेकेंड आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है, तो उसमें हेल्थ खराब हो गया कहीं ना कहीं वो आपका टाइम वेस्ट करेगा, और वो टाइम वेस्ट हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं दिस टाइम। तो आपको हेल्थ पे काफी ध्यान रखना है, स्लीप लेना है अच्छे से, जंक फूड से अवॉइड करना, ओवर ईटिंग भी अवॉइड करना है, क्योंकि हम ज्यादा खाएंगे ज्यादा नींद आएगा, उससे बचना है। मेडिटेशन और सुबह उठते ही एक्सरसाइज करो। माइंड सेट अच्छा होना चाहिए, हेल्दी माइंड सेट, हेल्दी और हेल्दी बॉडी भी चाहिए। तो ये सारी चीजें कुछ चीजें थी जो आपको 180 डेज में काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, स्ट्रेटेजी और टिप्स हैं जो आपको ध्यान में रखना है और इसको कंप्लीट करना है 180 डेज में। एक बात ध्यान रखना, काफी अप्स एंड डाउन आएंगे आपके साथ, कभी पढ़ने का मन करेगा कभी नहीं करेगा, उन चीजों को साइड रख के 2 मिनट अपने से पूछना, हाँ मेरे को नीट क्रैक करना है या नहीं करना है, ठीक है? नहीं पढ़ने का मन करे 2 मिनट साइड रख के 2 मिनट सोचना, फिर ध्यान रख के ध्यान से ही पढ़ना है, टाइम वेस्ट नहीं करना कि बस पढ़े जा रहे हैं आवर्स हम खत्म कर रहे हैं। 180 डेज में जो अच्छे से पढ़ेगा वही स्कोर कर पाएगा, ठीक है? तो इसी के साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं। 180 डेज चैलेंज आप सभी के लिए, आप सभी इसको नीचे कमेंट सेक्शन में लिखो, मैंने 180 डेज चैलेंज को एक्सेप्ट किया है और मैं इसको पूरा करूं। फूलों से कम है अंधेरों को चीर देंगे, कितना दम है मुश्किलें हो कैसी भी, मेरे हौसलों से कम है अंधेरों को